आज देश पालुछि जातीय स्टार्टअप दिवस एणिकी प्रतिवर्ष जानुआरी 16 तारीख को न्यासनाल स्टार्टअप डे भाव में पालन हो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घोषणा करिछन्ति। भारत पई भारतरु नव उद्भावन आह्वान देइछन्ति। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे 150 रु ऊर्ध स्टार्टअप कंपनी मानक सह आलोचना करी मोदी कहिछन्ति नुआ भारतर मेरुदंड पलटिबा को जाउछि स्टार्टअप देश को विकासर नुआ माइलस्टोन छुइबा को हेले भारत पई भारतरो ही नव उद्भावन योजना को कार्यकारी करबा को पड़िबो। एहा द्वारा देश सम्मुखीन हेतुवा आह्वान रो समाधान होई पड़िबो। एथिपई वर्तमान रो केंद्र सरकार समस्त प्रकार पदक्षेप नैछंती। नुआ उद्योगिंक पई पूर्वरु थिबा अमरतांत्रिक समस्या को हटाई दिया जायछि बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। ए बाबद अधिक सूचना पाई हम सहित दिल्लीर आम रिपोर्टर गगन बिश्वाल जोड़ी रहिछन्ते। गगन, प्रधानमंत्री जहाँ घोषणा करिछन्ते 16 तारीख में देश पालिबो नेशनल स्टार्टअप डे, कोटि ना कोटि भारतर मेरुदंड पलटिबा को जाउछि ये स्टार्टअप। निश्चित भाव बर्तमान देखिए कोविड समय जिते भारत अर्थनैतिक दुरावस्था देखाई केवल भारत नुह सारा विश्व में गोटे अर्थनैतिक यदि देखिए मेरुदंड दोहली तेणु या भितर जो प्रधानमंत्री एमएसएमई कथा जिते आम बजेट देखुले एमएसएमई कथा कहतु स्टार्टअप कथा कहतु कौटना कौट प्रायोरीटी देखते कहीं भारत जो भी ढंग से स्टार्टअप संख्या बर्तमान लगातार भाव वृद्धि पाई जो भी भाव गत काली प्रधानमंत्री निजर कथा रखुला बेले कही 2013-14 जो 4000 पेटेंट को स्वीकृति मिलूला वर्तमान लास्ट वर्ष जी देखिए 28000 पेटेंट को वर्तमान से स्वीकृति मिलूँ देश में वर्तमान 60000 रु अधिक स्टार्टअप रही जो थे कि 42 स्टार्टअप रि देखिए 1 अरब डॉलर रु अधिक मूल्यांकन रही पाखे तेणु भविष्य में जो टेक्नोलॉजी मिलू अनुसंधान कले वर्तमान विकास गोटे मध्यम हो स्टार्टअप तेणु कौटा कौटी प्रधानमंत्री सब कथ को लक्ष्य रखिक गोटे फोकस करने आहरी अधिक कि भाव आम स्टार्टअप बुस्टअप हो पार तेणु सी उपर निश्चित भाव प्रधानमंत्री फोकस देखिए मनोबल वृद्धि करने हे तो स्टार्टअप डे डिक्लेरेशन कर देखिए विभाग मंत्री जी रही पीयूष गोयल सी जे पांचटी एरिया उपरे वर्तमान सब स्टार्टअप फोकस करवा दरकार प्रथम कथा हूँ जे डेवलप सल्यूशन किभली भाव सब कथार सल्यूशन बाहर करुक्त कंटेंट इन इंडिक लांगुएज भारत बर्षर विभिन्न प्रकार लांगुएज रही प्राधान्य देखी कंटेंट डेवलप करेंगे स्टार्टअप गुड़िक एनकरेज प्रडक्ट एंड सल्यूशन लार्जर सोशल इकोनोमिक इंपैक्ट देखिए जो स्टार्टअप गुड़िक आसूच भारत बर्ष भाव गोटे दूर दृष्टि रोब तार इंपैक्ट आम भारतीय अर्थनीति पड़ो जहाँफल केवल स्टार्टअप बिल्डअप हेनी भारत इकोनोमी को गोटे बुस्टअप मिल तेनालीक गुड़े कथा चिंता करेणु तातर जिते गोटे स्टार्टअप डे डिक्लेरेशन कर तबे निश्चित भाव ये गोटे विश्ववासी को मेसेज कला भारत किभली भाव वर्तमान स्टार्टअप इंडस्ट्री को गुरुत्व दौर क्या आपंकर मन थी प्रधानमंत्री कोविड समय आत्मनिर्भर भारत को गुरुत्व दौले लोकाल को भोकाल फॉर लोकाल ये स्लोगान प्रधानमंत्री जो ग्रामांचल जो आम शिल्प उद्योग गुड़िका कि भाव विश्व स्तर से तार मान वृद्धि कर स्किल इंडिया मिशन लागू कराई अनेक गुड़े कथा विगत दिन में कराई तेणु ता भर जो प्रधानमंत्री गत काली डिक्लेरेशन कले निश्चित भाव गोटे स्टार्टअप डे पालन करा तेज निश्चित भाव ये गोटे सब स्टार्टअप इंडस्ट्री मानक गोटे भल खबर हो पाए और सेमकर मनोबल वृद्धि हे और आगामी दिन में भारत बर्षर इकोनोमिकल कंडीशन को वृद्धि करने निश्चित भाव स्टार्टअप इंडस्ट्री जिते ग्रोईंग हम भारत बर्षर अर्थनैतिक व्यवस्था से सुदृढ़ हम बोली कहा पाए जहाँ अर्थनैतिक विशेषज्ञ मैंने आकलन करते कथा एड करने चाहिए देखिए बर्तमान केवल प्रधानमंत्री आसवा दिन अनेक गुड़े दिवस डिक्लेयर कर देखिए 14 अगस्त जोटा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 31 अक्टूबर दीदी कहे जातीय एकता दिवस 15 नवंबर को देखिए दीदी जनजातीय गौरव दिवस जोटा कि बिरसा मुंडा पालन कर नवंबर 26 को जी देखिए जो पूर्व आम संविधान दिवस जोटा कि वीर बीरबल दिवस भाव में सेलिब्रेशन कर डिसेंबर 26
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯୋଉ January 24 ଜେନେରାଲି ଆମର ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା 23 ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଡେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦିବସ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉ ପୂର୍ବର ଭାରତ ଥିଲା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ କୁ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଡେ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଦିବସ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଓକେ, କୋଟି ନା କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।